بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Today I will deliver you lecture about assets and bases You can see that assets have the H positive charge and hydroxyl OH have the negative charge which is known as base If hydrogen have positive charge, it is known as the acid. You can see that the lemon have H positive charge on it, and liquid have negative charge, which is base. So today, I will tell you the basic information about acids and bases. So let's start our lectures. First of all, what is acid? An acid is a substance that releases H plus ions in an aqueous solution. Acid एक ऐसी सब्सटेंस को वो कह रहा है कि जो कि H पॉजिटिव आइंस जो है वो रिलीज करती है वो एसिड है और यानी कि वाटर वाटर जो है वाटर की जब आयोनाइजेशन हम करते हैं तो वो एच पॉजिटिव और हाइड्रोक्साइड एसर और बेस में जो है वो क्या हो जाती है आयोनाइज हो जाती है व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसर इज डिजोल्व इन द वाटर द कंपाउंड सेपरेट्स इनटू क्लोरीन आइंस अब उसने कहा कि एक एसर जो है अगर हम उसे सिंपल फॉर्म में देखें तो एसर एक ऐसी एशिया है एक ऐसी सब्सटेंस है जो क्या करती है रिलीज करती है एच प्लस आइंस को एक्वी सोल्यूशन में एक्वी सोल्यूशन यानी एक्वी सोल्यूशन एक्वी मीडियम एक ऐसा मीडियम होता है जो कि वाटर का मीडियम होता है यानी कि लिक्विड मीडियम होता है तो व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज डिजोल्व इन वाटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एक एसिड है इसे जो है वाटर में डिजोल्व करना है तो द कंपाउंड सेपरेट्स इनटू द क्लोरीन आइंस तो कंपाउंड जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं क्लोरीन आइंस में और हाइड्रोजन आइंस में तो यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट ही फॉर्म्ड अ शेप इन विच एच पॉजिटिव एंड सीएल नेगेटिव द सीएल नेगेटिव विल बी सेपरेटेड एंड एच प्लस आइंस विल बी सेपरेटेड सो हाइड्रोजन प्लस जो है वो जब प्रोटॉन रिलीज करता है तो वो एसिड कहलाता है तो दिस इज नाउन एज एसिड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स ब्रेक डाउन कम्प्लीटली वो कह रहा है कि एक जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है इन वाटर एंड गिव ऑफ मैनी हाइड्रोजन और जो है वो बहुत ज़्यादा एच प्लस जो आयन है वो रिलीज करता है यानी कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक ऐसा एसिड होता है जो बहुत ज़्यादा एच प्लस आइंस को रिलीज करे वो हमारे पास क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो जो हमारे पास यू कैन सी इन दिस पिक्चर द हाइड्रोजन आयन इज इन रेड कलर एंड द कॉन्जुगेट बेस इज इन पर्पल कलर स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर अज्यूम टू डिजोल्व कम्प्लीटली व्हेन इन एक्वस सॉल्यूशन अब जो हमारे पास एसिड्स होते हैं वो क्या होती हैं कॉन्जुगेट बेसिस भी बनाती हैं अब एसिड्स जो होते हैं वो कॉन्जुगेट बेस भी बनाते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक ऐसा एसिड होता है जो कि बहुत ज़्यादा एच प्लस आइंस जो है वो रिलीज करता है वीक एसिड क्या होता है वीक एसिड ओनली पार्शली ब्रेक डाउन इट गिव्स अ मच लेस हाइड्रोजन प्लस देन अ स्ट्रॉन्ग एसिड तो वो कह रहे हैं कि वीक एसिड एक ऐसा एसिड होता है जो कि सिर्फ पार्शली जो कि हाफ जो है वो ब्रेक डाउन होता है और बहुत कम वो जो है एच प्लस आइंस को क्या करता है रिलीज करता है गिव ऑफ करता है तो वो क्या होगी तो वीक एसिड्स हो जाते हैं हमारे पास जैसे कि उसमें यहाँ पे दिखाया हुआ है कि जो ब्लू में है वो कॉन्जुगेट बेस है और जो रेड में है वो हाइड्रोजन आइंस है तो वीक एसिड्स डिसोसिएट ओनली स्लाइटली इन एक्वस सॉल्यूशन वीक एसिड्स जो होते हैं वो बहुत थोड़े जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होते हैं द मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स रिमेन अनडिसोसिएटेड
तो ज़्यादातर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अनडिसोसिएट ही रहते हैं, डिसोसिएट नहीं होते। सो दिस इज अबाउट वीक एसर। नेक्स्ट अबाउट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसर। तो व्हाट इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसर? एसर्स हैव अ सॉर टेस्ट। सो इट मीन्स के कड़वा। यू कैन ड्रिंक द वाटर ऑफ द लेमन। या कभी आपने लेमन को टेस्ट किया हो तो लेमन का जो हमारे पास टेस्ट होता है वो क्या होता है? सोर होता है, यानी कि वो कड़वा होता है। तो जो लेमन है उनमें जो है वो एसर पाया जाता है। एसर रिएक्ट विद मेटल्स एंड कार्बोनेट्स टू प्रोड्यूस गैसेस। एसर जो होता है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है। बिकॉज एसर हैव एच प्लस आइंस एंड मेटल्स हैव आल्सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल्स भी जो होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, कार्बोनेट आइंस हैव नेगेटिव चार्ज। So they react with the metals and carbonates and produce the gas. Esters contain hydrogen. Ester जो है वो hydrogen form between होता है। You can see in this picture that this is carbonate, this is the metals and this is the hydrogen. तो hydrogen जो होता है वो metals और carbonates के साथ react करता है और gas को produce करता है। So this is the some characteristics of esters. Now we will discuss about the what is mean by taste sour. के जो हमने esters की ये characteristics को पढ़ा कि ester जो है वो sour taste का होता है, यानी कड़वा उसका जायका होता है। तो वो क्यों होता है कड़वा जायका उसका क्यों होता है? Esters in foods taste sour. एसर्स का जो है वो खुराक जो जायका होता है वो कड़वा होता है। एंड प्रोड्यूस अ बर्निंग और प्रिकलिंग फीलिंग ऑन द स्किन। और मतलब और एसर्स का जो जायका होता है वो क्या होता है? कड़वा होता है। और जब एसर्स को स्किन पे अप्लाई किया जाता है तो स्किन जो है वो जल जाती है और क्या हो जाती है वो प्रिकलिंग सी, यानी कि खिंचाव खिंचाव से स्किन में जो है वो जो है महसूस होता है, फील होता है। As you can see in this picture you see a man which have burning or prickling feeling on skin. So this is about characteristics of acers. So I will overview you that कि हमने अब तक जितना पढ़ा तो उसके बारे में जो है वो हम overview ले लेते हैं। तो हमने पढ़ा एसर। एसर जो है वो एक ऐसी सब्सटेंस है जो कि एच पॉजिटिव आइंस जो है वो रिलीज करती है। फिर हमने पढ़ा स्ट्रॉन्ग एसर्स क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसर्स ऐसे एसर्स होते हैं जो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एच प्लस आइंस को जो है वो रिलीज करते हैं। वीक एसर्ड ऐसे एसर्स होते हैं जो बहुत कम जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं और बहुत कम जो है वो एच पॉजिटिव आइंस को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। फिर करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एसर्स हैं सिंस टेस्टिंग और टचिंग एन अननोन केमिकल इज एक्सट्रीमली डेंजरस। वो कह रहा है कि जिन केमिकल्स को हम नहीं जानते, जो केमिकल अननोन होते हैं उनको जो है वो टेस्ट करना या टच करना भी हमारे लिए जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। Other methods are needed to tell whether a solution is in an acid. तो वो कह रहा है कि जब हमें ये पता लगाना हो कि कोई solution जो हमें दिया गया वो acid है या नहीं, तो हम जो है वो unknown chemicals को ना तो touch कर सकते हैं और ना ही हम जो है वो taste कर सकते हैं। तो वो क्या होते हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा dangerous होते हैं। इसलिए बहुत से दूसरे ऐसे methods use किए जाते हैं जो क्या जो हमें ये बताते हैं कि ये solution acid है या नहीं है। नेक्स्ट जो है वो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एसर्स में, जब एसर्स जो है वो रिएक्ट करता है विद द मेटल आ सेफ वे। ये वो कह रहे हैं कि एक महफूज तरीका है टू टेस्ट टू सी इफ अ सॉल्यूशन इज एन एसर। वो जो है यहाँ पे ना एक मेथड बताने जा रहा है कि जब एसर्स रिएक्ट करते हैं विद द कार्बोनेट्स तो हमें कैसे पता चलता है कि ये एसर्ड है या नहीं है।
तो वो यही कह रहा है कि महफूज तरीका है एसर को टेस्ट करने के लिए कि जो सोल्यूशन है वो एसर है या नहीं है, टू प्लेस अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन अ कंपाउंड। तो वो कह रहा है कि जो हमारे पास कंपाउंड है मींस हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसर है लेकिन हम नहीं जानते, हमारे लिए अननोन है, तो उसके ऊपर हमने क्या करना है कार्बोनेट्स के फ्यू ड्रॉप्स जो हैं उनको जो है हमने जो है वो अप्लाई कर देना है ऑन अ कंपाउंड डैट कंटेन अ कार्बोनेट, जिसके अंदर कार्बोनेट प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन इज़ अ रॉक, वो कह रहा है कि जो लाइमस्टोन है कैल्शियम कार्बोनेट है वो एक चट्टान है डैट कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट। व्हेन एन एसर टचेस अ पीस ऑफ लाइमस्टोन, जब एक एसर जो है वो लाइमस्टोन की जो हमारे पास रॉक है उसके जब वो पीस को टच करता है रिएक्शन अकर, तो एक रिएक्शन होता है डैट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो एक रिएक्शन होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करता है। मीन्स ये कि वो कह रहा है कि लाइमस्टोन जो कि एक रॉक है उसके ऊपर जो है वो अननोन सॉल्यूशन के जो चंद फ्यू ड्रॉप्स हैं उनको जो है वो हमने क्या करना है फॉल करना है, जब हम उनको अप्लाई करेंगे तो उसमें जो है वो गैस प्रोड्यूस होगी जो कि कार्बन डाइऑक्साइड होगी, तो अगर वो गैस प्रोड्यूस होती है तो हमने क्या लेना है कि ये सॉल्यूशन जो है वो एसिड है, अगर नहीं प्रोड्यूस होती तो हमने क्या देना है कि सॉल्यूशन जो है वो एसिड नहीं है। नेक्स्ट है अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसर्स रिएक्ट विद मेटल, हमने पीछे ये पढ़ा कि एसर्स के पास जो है वो बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो मेटल के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और वो क्या करता है कार्बोनेट्स के साथ भी करता है, तो एसर जब रिएक्ट करता है विद द मेटल हमने जो अभी तक डिस्कस किया है वो हमने यही डिस्कस किया है कि एसर जो है वो H प्लस आयंस जो है वो रिलीज करता है, स्ट्रॉन्ग एसर जो होता है वो ज़्यादा रिलीज करता है H प्लस आयंस और जो वीक एसर होता है वो बहुत कम करता है H प्लस आयंस को रिलीज। तो ये थी कॉमन डिफाइन ऑफ एसर्स जो आर्किमिडीज ने हमें दी थी, इसके अलावा ब्रोंस्टेड लोरी ने दी थी, एसर और बेस का जो कंसेप्ट दिया था वो जो है वो डिफरेंट है, तो वो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो डिस्कस करेंगे। तो एसर क्या होते हैं, एसर्स आल्सो रिएक्ट विद मोस्ट मेटल, एसर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेटल के साथ जो है वो रिएक्ट भी करते हैं, द रिएक्शन प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस, तो रिएक्शन जब हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसर मेटल के साथ रिएक्ट करती है यानी कि सोडियम के साथ अगर रिएक्ट फॉर एग्जांपल सोडियम के साथ रिएक्ट करती है या हमारे पास, तो उससे जो है वो कह रहा है हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है विच यू कैन सी एज बबल्स, जो कि आप बबल्स के तौर पर देख सकते हैं, आप देखें तो ये एक टेस्ट ट्यूब में मेटल्स हैं, मेटल्स के साथ थोड़ा सा इससे उसने जो है वो डाला हुआ है तो उसको हीट किया तो उसे गैस प्रोड्यूस हुई है। सो दिस इज अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड व्हेन रिएक्ट विद मेटल्स, यू कैन सी इन दिस पिक्चर डैट when we add solution unknown solution in the test tube and metal then we will heat it, the solution will produce the gas, it is known as hydrogen gas. So this is all about the characteristics of acids. We will discuss that is characteristics of acids when react with metals, when react with carbonates, और हमने जो है वो फ्यू जो हैं वो हमने कुछ जो है वो इसके तरीके पढ़े कि जब जो है ये एसर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास जो है वो क्या होता है, और हमने ये भी देखा कि एक अननोन सॉल्यूशन है तो हम उसे कैसे जो है वो नाउन कर सकते हैं कि हम उसे कैसे ये बता सकते हैं, कैसे ये बता सकते हैं कि वो एसर है या नहीं है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसर्स कॉन्टेन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिटिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड कार्बोनिक एसिड, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो HCl यानी कि H पॉजिटिव और Cl, जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे आयोनाइजेशन इसकी होगी तो H प्लस और Cl नेगेटिव इसमें बनेगा, जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसमें H प्लस और HSO4 की नेगेटिव बनेगा, जो नाइट्रिक एसिड उसमें H प्लस और NO3 की नेगेटिव बनेगा, जो कार्बोनिक एसिड उसमें H प्लस और HCO3 की नेगेटिव बनेगा जब ये आयोनाइज होंगे। तो
इसमें जो है वो एसिटिक एसिड का हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आगे एसिटिक एसिड बनते हैं, सिट्रिक एसिड बनते हैं, फॉस्फोरिक एसिड बनते हैं, ऑक्सैलिक एसिड बनते हैं। तो दीज एसिड्स हैव बिटर इन टेस्ट, हैव सॉर टेस्ट। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बेसिस। तो व्हाट इज बेसिस? A base is a substance that releases hydroxide ions in an aqueous solution. एक बेस जो है वो ऐसी एशिया है, ऐसी सब्सटेंस है जो क्या करती है, रिलीज़ करती है हाइड्रोक्साइड आइंस को एक्वियस सॉल्यूशन में। हाइड्रोक्साइड आइंस उसने रिलीज़ करने हैं, और कौन से जो है वो सॉल्यूशन में, कौन से मीडियम में, एक्वियस सॉल्यूशन में, यानी कि इसमें भी वाटर का जो है वो यूज़ किया जाता है। व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द बेस, when sodium hydroxide is dissolved in the water, the compound separates into sodium ions and hydroxide ions. जब हम sodium hydroxide को water में dissolve करते हैं तो sodium जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, वो मतलब कि sodium hydroxide की ionization होती है, sodium पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, hydroxide पर negative चार्ज आ जाता है। तो hydroxide is also known as base, तो base पर क्या होता है, negative charge होता है। उसने एसर का ये कहा था कि एसर एक ऐसी सब्सटेंस है जो कि क्या करती है, रिलीज करती है H प्लस आइंस को इन द एक्वियस सॉल्यूशन, और हर बेस से एक ऐसी चीज़ होती है जो रिलीज करती है हाइड्रोक्साइड आइंस को इन एक्वियस सॉल्यूशन। तो उसमें हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के आयनाइजेशन करवाई थी, तो H प्लस और Cl नेगेटिव में जो है वो प्रोडक्ट जो हमारे पास फॉर्म्ड हुई थी। फिर उसके बाद हम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड को देखे तो सोडियम प्लस में और हाइड्रोक्साइड आयन में जो है वो कन्वर्ट की जाती है। तो दिस इज व्हाट इज बेसिस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिस, ये बेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिस, बेसिस यूजली टेस्ट बिटर। अब बेस जो है वो क्या होती है, उसका जो है वो टेस्ट जो होता है वो कड़वा। जो हमारे पास एसिड होता है उसका जायका जो होता है वो तुर्श होता है, और जो हमारे पास बेस होती है उसका जायका जो होता है वो कड़वा होता है। बेसिस फील स्लिपरी, यानी कि बेस जो होती है वो यूज़ की जाती है फॉर द मेकिंग ऑफ सोप, यानी कि साबुन को बनाने के लिए बेस जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। बेस से ही साबुन जो है वो क्या किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है इन द इंडस्ट्रियल स्केल एंड इन द लैबोरेटरी स्केल। बेसिस कंटेन हाइड्रोक्साइड आइंस, बेसिस जो है वो हाइड्रोक्साइड आइंस पर मुश्तमिल होती है। सो देयर आर थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस, बेस हैव बिटर टेस्ट, बेसिस फील स्लिपरी, कंटेन हाइड्रोक्साइड आइंस। तो अब हम इनको जो है वो वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि बिटर टेस्ट क्यों होता है। बेकिंग सोडा मोस्टली वो यूज इन मेकिंग बेकिंग थिंग्स लाइक केक बनाना हो तो उसमें हम बेकिंग सोडा जो है वो यूज़ करते हैं, और बहुत सी मेडिसिन वगैरह में भी जो है वो यूज़ किया जाता है। तो इसका जायका जो होता है ना वो कड़वा होता है। बेकिंग सोडा का जो है वो हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट, तो कुछ भी मतलब कि हम कह सकते हैं। बेकिंग सोडा जो होता है इसका टेस्ट जो होता है वो क्या होता है, बिटर टेस्ट होता है, कड़वा टेस्ट होता है बेकिंग सोडा का। तो तीन उसने जो है वो प्रॉपर्टीज़ बताई हुई है बेस की। सबसे पहले उसने कहा बिटर टेस्ट होता है, तो वो भी हमने उसकी एग्जांपल्स को देख लिया। नेक्स्ट उसने कहा है कि वो क्या होती है, स्लिपरी होती है, कि टेस्ट बिटर को ये भी उसने जो है वो डिफाइन किया हुआ है। माइल्ड बेसिस इन फूड टेस्ट बिटर, बहुत ज़्यादा जो वो कह रही है हल्की जो बेसिस होती है, माइल्ड में हल्की बेसिस जो होती हैं उनका खुराक में टेस्ट जो होता है ना वो कड़वा होते हैं, एंड फील स्लिपरी, और वो जो है वो स्लिपरी की तरह फील होती है। बट एज विद एसर्स, लेकिन जब एसर के साथ उनका रिएक्ट करवाया जाता है, टेस्टिंग एंड टचिंग आर नॉट सेफ। माइल्ड वो कह रहे हैं हल्की जो बेसिस होती हैं, जब उनको फूड में जो है वो डाला जाता है तो वो जो उनका जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है और वो स्लिपरी फील होती है। लेकिन जब वो एसर के साथ रिएक्ट करती है तो उनका टेस्ट होता है वो भी चेंज हो जाता है, और उनको जब हम टच करते हैं तो वो भी जो है वो सेफ नहीं होता।
इन फैक्ट सम स्ट्रॉन्ग बेसिस आर बर्न द स्किन, ताकि जो कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस होती हैं वो भी स्किन को जो है वो क्या कर सकती हैं, बर्न कर सकती हैं। ऐसे ही इसमें जो है वो भी स्किन को क्या कर सकता है, बर्निंग कर सकता है, बेस भी कर सकती हैं एज बैडली एज स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसा कि स्ट्रॉन्ग एसिड करता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिस, इन विच वी डिस्कस द वन प्रॉपर्टी ऑफ द बेसिस इन डिटेल। नाउ डिस्कस द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ द बेस विच इज़ नाउन एज फील स्लिपरी। अब फील स्लिपरी का क्या मीन है, बेसिस फील सोपी और स्लिपरी बिकॉज दे रिएक्ट विद एसिड मॉलिक्यूल इन योर स्किन। अब बेस जो होती है वो एसिड स्किन में एसिड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करती है और वो क्या बना देती है, फैटी एसिड्स को बना देती है आपके स्किन में। यानी कि साबुन के साथ जब बेस जो है वो करती है और जब स्लिपरी करती है तो वो स्लिपरी फील होती है, और जब वो रिएक्ट करती है एसिड मॉलिक्यूल्स के साथ आपकी स्किन में तो वो जो है फैटी एसिड्स कहलाती है। और क्या करती है, जब बेस आपके स्किन में एसिड्स के साथ रिएक्ट करती है तो वो फैटी एसिड कहलाते हैं, और वो जो है वो थोड़ी सी स्लिपरी फील होती है और वो क्या करती है, साबुन बनाती है। तो बेसिस जो है वो ज़्यादा साबुन बनाने में यूज़ की जाती है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर दिस इज़ द फैटी एसिड इन योर स्किन। नेक्स्ट अबाउट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिस फील स्लिपरी। अब हम देखते हैं कि जो सोप है हमारे पास वो कैसे बनता है, जो हमारे पास सोप है साबुन है वो कैसे बनता है बेस से। इन फैक्ट दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ सोप इज़ मेड। दर हकीकत ये एक ऐसी चीज़ है कि सोप जो साबुन है वो कैसे बनता है, मिक्सिंग बेस यूजली सोडियम हाइड्रोक्साइड विद फैटी एसिड। अब वो क्या कह रहा है कि बेस जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड को फैटी एसिड, कोई भी पाल्मिटिक एसिड ले लें, स्टीरिक एसिड ले लें, स्टीरिक एसिड ले लें, ओलिएट ले लें या ऑक्सैलिक एसिड ले लें, पाल्मिटिक एसिड को ले लें, स्टीरिक एसिड को ले लें, तो ये जो है ना इनके पास हैवी नंबर ऑफ चेन होता है, तो ये हैवी नंबर ऑफ चेन के जो हैं वो एसिड्स होती हैं। तो कोई भी हमने फैटी एसिड्स को लेना है जो रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, या हम ग्लिसरॉल को भी ले सकते हैं, तो वो क्या कर देगा, सोप प्रोड्यूस करेगा। क्या चीज़ लेनी है, हमने बेस लेनी है सोडियम हाइड्रोक्साइड लेनी है और उसको जो फैटी एसिड के साथ मिक्स कर देना है, तो सोप जो है वो साबुन जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। सो व्हेन अ बेस टचेस योर स्किन, तो जब एक बेस जो होती है आपकी स्किन को टच करती है लेकिन उसमें जो है कुछ हद तक फैटी एसिड्स भी जो है वो मिक्स हो, तो वो जो है आपकी तो वो जो है स्मॉल अमाउंट में क्या बना देती है, साबुन बना देती है, सोप बना देती है। वो यही कह रहा है कि जब एक बेस आपकी स्किन को टच करती है, पहले तो हमने यही पढ़ा ना इसकी जो प्रॉपर्टी है कि बेस भी जो है वो स्किन को बर्न कर देती है, लेकिन वो कह रहा है कि बेस जो है जब फैटी एसिड्स चूँकि फैटी एसिड्स जो होते हैं वो हाई हैवी कार्बन उनमें होती है, उनमें जो कार्बन का स्कैंडल होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो हाई नंबर ऑफ कार्बन चेन होती है फैटी एसिड्स में, तो इसी वजह से जब वो बेस के साथ रिएक्ट करता है तो बेस को जो अपनी प्रॉपर्टी होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है और वो जो साबुन होता है वो बन जाता है। सो दिस इज अबाउट हाउ टू मेड द हमारे पास सोप। तो ग्लिसरॉल के साथ भी सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करती है और बेस बना देती है, सोप बना देती है। तो सो नाउ करेक्टरिस्टिक्स यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस कंटेन सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हमारे पास कुछ ऐसी बेसिस होती है जिनके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो प्रेजेंट है, लाइक लिथियम हाइड्रोक्साइड। आप देख सकते हैं तो लिथियम जो है वो हमारे पास मेटल है, लिथियम प्लस और हाइड्रोक्साइड में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जब इसको एनालाइज करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम में प्लस, हाइड्रोक्साइड में नेगेटिव। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम भी मेटल है, पोटेशियम पे प्लस, हाइड्रोक्साइड पे नेगेटिव। रुबिडियम हाइड्रोक्साइड रुबिडियम पे प्लस, हाइड्रोक्साइड पे नेगेटिव। सीजियम हाइड्रोक्साइड भी ऐसे है, बेरियम हाइड्रोक्साइड भी, कैल्शियम भी और स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड भी।
so this is the basic basis and their formula. इसके अलावा और भी बेसिस होती हैं जिनका जो है वो हम जो है वो केमिस्ट्री में जो है वो डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट जो है वो डिफरेंस है बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस. ग्रेड टेंथ में केमिस्ट्री में ये जो क्वेश्चन है शोर क्वेश्चन है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस. तो एसिड्स जो एसिड का जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, तुर्श होता है. बेस का जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है. जो एसिड होती है वो स्लिपरी यानी कि स्लिप फिसलने की तरह महसूस नहीं होती. बेस होती है क्योंकि बेस जो होती है वो सोप बनाती है और सोप जो होता है वो आपने देखा होगा कि फिसलन की तरह उसे होता है. और जो एसिड्स होते हैं वो उनकी पीएच होती है वो लेस देन 7 होती है. वाटर की पीएच होती है वो नॉर्मल होती है यानी कि न्यूट्रल होती है जो कि होती है 7. और बेस की जो पीएच होती है वो 7 से क्या होती है, ग्रेटर देन होती है. द पीएच ऑफ द बेसिस इज ग्रेटर देन 7 एंड पीएच ऑफ एसिड इज लेस देन 7. एसिड क्या करती है, रिलीज करती है हाइड्रोजन आयन को एक्वस सॉल्यूशन में और बेस जो होती है वो हाइड्रोक्साइड को रिलीज करती है इन एक्वस सॉल्यूशन. एसिड जो होती है वो क्रोड मेटल्स होती है यानी कि एसिड्स को जो है वो जंग लग जाता है. बेसिस को जो है वो जंग नहीं लगता. आप देखें तो बेस साबुन बनता है कभी साबुन को जंग नहीं लगा क्योंकि इसमें फैटी एसिड जो है वो हाई नंबर ऑफ कार्बन चेन जो होते हैं वो होते हैं और वो जो है वो क्या बना देती हैं, हमारे पास सोप बना देते हैं. रिएक्ट विद मेटल टू प्रोड्यूस अ कंपाउंड एंड हाइड्रोजन गैस. एसिड जो होता है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है, किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट कर सकता है, कंपाउंड को प्रोड्यूस करता है और क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है. बेस जो होती है वो डू नॉट रिएक्ट विद मेटल टू प्रोड्यूस अ कंपाउंड एंड हाइड्रोजन गैस. बेस जो होती है वो मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करती और हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस नहीं करती. एसिड अगर कोई भी अगर हमें ये नहीं हमें हमारे पास कोई भी अननोन सॉल्यूशन हमें नहीं मालूम कि ये सॉल्यूशन एसिड है कि बेस है तो हम क्या करेंगे, हम लिटमस पेपर लेंगे उसके अंदर सॉल्यूशन को थोड़ा सा डिप करेंगे और फिर जो है उसको चेक करेंगे. अगर उसका जो लिटमस पेपर का कलर जो होता है वो रेड या पिंक हो जाता है तो वो एसिड है. अगर उसका कलर जो होता है वो ब्लू हो जाता है तो वो क्या है, बेस है. अगर लिटमस पेपर का कलर ब्लू हो जाता है तो वो क्या है, बेस है. तो दिस इज़ डिफरेंस बिटवीन द एसिड्स एंड बेस. और जो पीएच वाला है ये एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ है. इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड एंड बेस. तो ये पूरा एक स्केल होता है जिसमें हम जो है एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं. वाटर का जो पीएच होती है वो 7 होती है क्योंकि वाटर जो है वो न्यूट्रल में आ जाता है, ना एसिड में आता है ना बेस में आता है. नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. अब इनकी सिमिलरिटीज़ एसिड और बेसिस में क्या सिमिलरिटीज़ हैं वो हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं. तो एसिड और बेसिस जो है वो बोथ डिजोल्व इन वाटर, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन. तो क्या करती है, एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो कंडक्ट करती है. कैन इरिटेट और बर्न स्किन. दोनों ये एसिड और बेस क्या करती हैं, इरिटेशन भी कर सकती हैं और स्किन को बर्न भी कर सकती हैं. एक तो पानी में डिजोल्व हो जाती हैं, इलेक्ट्रिसिटी की जो है वो अच्छी कंडक्टर होती हैं, इरिटेशन होती है और बर्न स्किन. ये क्या है, इनकी सिमिलरिटीज़ हैं. तो नेक्स्ट जो है वो अबाउट है द पीएच स्टैंड फॉर द पोटेंशियल हाइड्रोजन यानी कि एसिड और बेस स्ट्रेंथ इंशाल्लाह. और इसमें जो है वो पीएच स्केल पूरा होता है, थोड़ा सा ओवरव्यू दे लूँ. इसमें जो है वो पीएच जो होती है वो पोटेंशियल हाइड्रोजन, पीएच का जो एब्रीवेशन होती है वो पोटेंशियल हाइड्रोजन होती है. और इसमें जो है हम हाइड्रोजन प्लस आइंस को मेजर करते हैं. पीएच स्केल होता है पूरा एक, या देख सकते हैं ये पीएच स्केल है. इसमें जो 7 है वो क्या होता है, वाटर होता है. बाद में उसने दिखाया हुआ है कि 10 पीएच होगी तो सोप बनेगा. बेकिंग सोडा जो सोडा जो है वो 8 पीएच भी बनता है. और ये जो सारा जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड आल्सो कमेंट. थैंक यू वेरी मच.